नमस्ते। मैं 2650 ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहा हूँ। ये ट्रेड क्यों किया गया है, इसका फंडा क्या है, मैं आपको ये मतलब ये वीडियो में बताया हूँ। ओके, वीडियो फुल देखना, आपको समझ में आ जाएगा। रिलायंस में ये फालतू है, मतलब क्या है, आज ऊपर नहीं जा सकता है, ये लेवल पे इसको दिक्कत आ रहा है। मैं मतलब ऐसे ही छोड़ दिया हूँ भाई, देखेंगे क्या होता है बोल के। ओके, तो ये नहीं है, मतलब निफ्टी का एनालिसिस है ना, मैं बताया हूँ उसको देखना। मैं हाँ, एक्चुअली ये 23,900 को मतलब आज नहीं जाना चाहिए, मैं होल्ड पर रखता हूँ इसको। आई हैव एक्सप्लेन यू द लॉजिक। ओके, रिलायंस में मुझे उम्मीद नहीं था, लेकिन वो भी ब्रेकआउट कर रहा है, करने दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, रिलायंस का मतलब एक लेवल था। रिलायंस में क्या है, ये लोअर लो आज बाई नहीं करना है, फिर भी अगर ब्रेक इन सेट करना है ये लेवल था। ओके, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम था ना, इधर इधर आके इसने क्या किया, इधर आके देखो, इसको टच करके हायर हाई कर दिया। इसका मतलब है इधर देखो। ओके, निफ्टी सर, निफ्टी निफ्टी मतलब ये पता था क्या भाई, ये होगा बोल के? निफ्टी, अगर निफ्टी का एनालिसिस करे, निफ्टी का मतलब क्या है सर, क्या चल रहा है निफ्टी में, क्या चल रहा है? ट्रेंड अब ट्रेंड ही था सर, हायर हाई था। ही है। ओके, हाँ, इसमें यस सर, लिख तो देखो, अभी अगर आप लिखते हो सो इट इज इन अप लेग, राइट? हाँ सर, इधर हाई यस नहीं किया था, ये हाई वोलेटाइल है, हाई वोलेटाइल है, हाई वोलेटाइल है, ये अप लेग में ही है। आज इसने लोअर लो किया है, सही है ना? जी सर, आज इसने मतलब लोअर लो किया है, इतना समझ में आ रहा है? ये क्यों गिर नहीं पाया है, समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर अभी भी हायर रही है। यस सर, ओके, अभी अभी निफ्टी का अगर बात देखें तो क्या हुआ था सर लास्ट वीक में, क्या हुआ था सर लास्ट वीक में? लास्ट वीक में निफ्टी में क्या हुआ था सर? लास्ट वीक में स्ट्रॉन्ग सर, क्लोज किया था सर। हाँ, स्ट्रॉन्ग खुल करके अंदर रेंज में क्लोज किया था सर, थोड़ा सा ऊपर मतलब। एक्चुअली नहीं है सर, एक्चुअली नहीं है। इधर देखो, अगर आप देखते हो इफ इंडेक्स में जाके, अगर आप इफ यू टेक निफ्टी 2 वीक्स, 2 वीक्स का अगर आप देखते हो मतलब टेंथ है ना, टेंथ से 21st तक, सही है? अगर 20 वर्ष, यस सर, आप देखते हो इधर इसने क्या किया था सर, इसका जो लास्ट प्राइस है ना सर, क्लोज प्राइस कितना है? 23,500 होगा। 1.10 है ना, वो जो फर्स्ट वीक का जो हाई है वो कौन सा सर? हाई किधर है, वेर इज द हाई? 4.0, ये वाला हाई, 18 ये वाला हाई है ना सर, जी, आपको दिख रहा है इधर, उसके ऊपर क्लोज किया है। सर एक्चुअली नहीं है सर। ओके, ये जो हाई है 90.4 है ना, वो उसका हाई है। अगर आप इधर देखते हो, मैं इसको थोड़ा, एक्चुअली इसका क्लोजिंग नीचे है सर। ओके, जी सर, हाँ 15 मिनट में देखते हैं तो सर नीचे है। हाँ नहीं, कोई टाइम फ्रेम पे देखो सर, 5 मिनट्स में भी ये नीचे है। ओके, जी सर, बाद में मैं ये क्यों बता रहा हूँ सर, इंडेक्स में लास्ट प्राइस तो नहीं होता है। ओके, अगर यस सर, आप इसमें इफ यू यू सी मतलब कोई स्टॉक नाम बताओ, रिलायंस सर, 1 मिनट। इधर लास्ट प्राइस है, सही है ना? इधर आपको लास्ट प्राइस यस दिख सर, रही है। ओके, एक्चुअली इसमें क्लोज प्राइस भी है, लास्ट प्राइस भी है। हमें क्लोज प्राइस से मतलब नहीं है, क्योंकि ये लास्ट
30 मिनट्स का जो भी ट्रेडिंग है उसका एक फैब्रिकेटेड नंबर है, सही है ना? ये पता है ना आपको? वी विल कंसिडर द लास्ट प्राइस, राइट? जी यस सर, ऐसे ही जब आप इंडेक्स को देखते हो, इसमें तो लास्ट प्राइस नहीं होता, नहीं। जी सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिपेंड ऑन द ये वाला है, ओके? फैक्ट चार्ट में जाके कंसिडर करना पड़ेगा। जी सर, इसका क्लोजिंग नीचे हुआ था, ये पॉइंट क्लियर है ना सर? यस सर, अभी अगर हम देखते हैं, ये वीकली का हाई था, ये वीकली का लो था, इसने क्या किया था? ऊपर जाके नीचे आके क्लोज कर दिया, सही है ना? लॉजिकली लॉजिकली नीचे के क्लोज किया था। अभी क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, इधर तक आना चाहिए 23,206, सही है? यस सर, अगर आप देखते हो, इसका ओपनिंग वीक मतलब वीक वन के नीचे भी हुआ था आज, सही है ना? यस सर, नीचे खुला रहा। इसका मतलब क्या है? तो इट हैज टू कम टू दिस एरिया, दिस इज द रेंज, मतलब इधर तक आना चाहिए, सही है ना? मतलब जी यस सर, एक गैप डाउन खुला, ये नीचे करना चाहिए। सर मुझे बताओ, क्या ये बेरिश है? नहीं नो सर, है, नो सर, तो वेरी वीकली के नीचे जाता है तभी बेरिश बेरिश होता है एटलीस्ट, नहीं तो ये रेंज के नीचे रहना पड़ेगा, मानते हो क्या? क्या जी सर, इफ यस जी सर, जी किया? लास्ट वीक के लो के नीचे खुला ना, यस अभी सर, गिरना चाहिए, मतलब वीक है तो गिरना चाहिए, सही है ना सर? जी ऊपर चले, यस सर, अभी वन डे में आता हूँ सर, ओके? लास्ट वीक में कितना फोर ट्रेडिंग डेज था? 1, 2, 3, 4, ये फोर फोर, फोर ओके? मुझे ये बताओ, ये जो 4 दिन में 3 कैंडल्स जो है वो दैट इज हाई वॉलेटाइल, सही है ना? इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। यस सर, अब मैं जो कैंडल ने हाई बनाया था, कौन सा कैंडल था सर वो? लास्ट यही है ना, इसी ने हाई यस सर, बनाया, अब मैं हमको दिख रहा है कि यस इसने लो बनाया था, सही है ना सर? सर, अभी क्या जी है, मतलब ये वीकली का लो भी है, लास्ट जो हाई बनाया था लो बनाया था वही कैंडल का हाई लो है, सही है ना? अभी ये नीचे खुला है तो नीचे करना चाहिए, सही है सर? सही है ना? यस सर, 1, 2, 3, 4, ये लास्ट वीक का 4 ट्रेडिंग डेज था। बाद में मुझे बताओ, उसका पहला वीक कौन का? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन है ना सर? यस सर, आप ये सोच रहे हैं भाई जी कितना चाहिए, सही है ना? जो कैंडल ने हाई बनाया था ये कैंडल था सर, मानते हो? यस सर, वीक ये समझ में आ रहा है क्या सबको? जो कैंडल ने यस सर, हाई बनाया था ये कैंडल है ना, का यस सर, वही yes, सर। मतलब क्या है, प्रीवियसली, अभी क्या है, ये निफ्टी वीक को लाए नीचे कितना चाहिए, सही है ना? अगर नीचे गिरना है, ये जो हाई बनाया था उसका लो को तोड़ के नीचे गिरना पड़ेगा, मानते सर, हो क्या? सही, यस सर, नहीं तो जो कैंडल ने 1, 2, 3, 4, 5 ये कैंडल ने लो बनाया था, सही है ना? ये यस सर, कैंडल ने लो बनाया था, मतलब अगर बेरिश बनाया तो इसके नीचे जाएगा, सही है ना? मतलब ऐसे ही चलेगा, मतलब सही है ना सर? ये वीक टू का लो जी है, सर, नीचे गिरना चाहिए, ओके? मुझे क्या करता हूँ मैं, मतलब जो हाई बनाया था एटलीस्ट वो कैंडल को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। अभी ये यस सर, फोर्टीन कौन सा डेट है सर? फोर्टीन जून, सही, मतलब इसमें तो वॉल्यूम नहीं है तो आई विल यूज व्हाट, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, नीचे गिरा था सपोर्ट ऊपर, प्राइसेस, नीचे गिरा था ऊपर गया था, सही है? यस सर, जी जो लास्ट मतलब ऊपर गया था और रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया है ना, ये लेवल है ना, यस सर, सही है ना सर? मतलब इधर एक लोअर लो करके, छोटा सा लोअर लो करके इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, अभी गिरना चाहिए, सही है ना सर? यस सर, अच्छा जी करना पड़ेगा, इसका खाना पड़ेगा ना सर, यस सर, इसके जी नीचे जाना पड़ेगा, गिरना है तो ये लेवल को तो खाना पड़ेगा ना, यस सर, ये समझ रहे हो क्या सर? जी सर, वहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, अभी रात में समझ में आना आपको नहीं है, मैं क्यों बता रहा हूँ, मतलब देयर इज अ रीजन, मतलब मुझे बैड थ्रोट भी है, अभी ठीक हो गया भाई, पता नहीं, मैं टैबलेट भी ले लिया एंटीबायोटिक, मुझे सिर्फ 2 दिन का देख के ट्रेड नहीं करना है, क्लियर है ना यस सर, पूरे जी? हिस्टोरिकल अपने को सर देखना है, ये जो ट्रेडिंग है ये जीरो सम गेम है, समझ रहे हो? जीरो सम गेम का मतलब क्या है,
कोई लॉस करता है तो दूसरा प्रॉफिट करता है ऐसे। समझ रहे हो ना, अगर आपको प्रॉफिट बनना है तो मुझे बीट करना पड़ेगा आपको, है? मुझे लॉस करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? ये लॉजिक समझ रहे हो यस सर, मार्केट का? हाँ, अगर यस सर, मुझे प्रॉफिट करना है ना और किसी को मुझे बीट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए सर? नॉलेज, ये पॉइंट क्लियर है सर? जी यस सर, अगर आप जो आपके सामने बैठा है ना, वो मतलब आपको अपोजिट में जो बैठा है ना, उसके पास बहुत नॉलेज है, हाँ? अगर उनको बीट करके आपको आगे बढ़ाना है तो उनसे भी ज्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए, ये होना माइंड चाहिए सर, है सर, ये माइंड में रखना है, ये पॉइंट क्लियर है? जी यस सर, सिर्फ आपको 2 दिन का देख के कुछ नहीं करना है, ए पॉइंट क्लियर? मतलब 2 दिन का भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे लेवल्स आपको पता होना चाहिए, ए पॉइंट क्लियर है सर? जी यस सर, ये मैं क्या करूंगा, इफ आई, ओके 1 2 3 4, मतलब अगर मान लो लास्ट वीक में आपको ट्रेड करना था, ओके लास्ट जी सर, वीक में आपको ट्रेड करना था, ओके मान लो आपका हाइपोथेसिस सेल था, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर जो सेल है एटलीस्ट जो हाई बनाया था 1 2 3, मतलब ये कैंडल ने हाई बनाया था क्या, सॉरी दिस कैंडल, वाले यस में ये कैंडल ने हाई बनाया था, एटलीस्ट इसको तो थोड़ा खाना पड़ेगा ना, इसको यस सर, समझ रहे क्या, इसको खाना पड़ेगा ना सर, जी हाँ? तो ये मतलब देखो, मतलब उसका हाई से ही सपोर्ट लेके वही कर रहा है ये, समझ रहे हो ना सर? 1 2 3 4 5, यस ठीक, अगर मान लो मुझे ये वीक में ट्रेड करना था, ओके ओके फाइन सर, ये वीक में मुझे ट्रेड करना था, मतलब 10th से, जी जैसे मतलब अगर मान लो आपका हाइपो सेल है, ओके मान लो, ओके मतलब जो कैंडल ने हाई बनाया था ये वाला है ना सर, जैसे जी एटलीस्ट इसको बेरिश बनाए तो ये कैंडल के नीचे तो ट्रेड करना पड़ेगा, 2 वीक है मेरे पास, सही है जैसे ये वाला है ना, उसमें 1 2 3 4 5, ये कैंडल ने हाई बनाया था, सही है, ये कैंडल ने हाई बनाया था ना सर वो वीक में, एटलीस्ट जी इसके नीचे तो ट्रेड करना पड़ेगा ना, नहीं है उसके ऊपर ही है, समझ रहे हो ना? जी तो ऐसे आपको अगर मान लो ये लेवल्स आपको पता, मतलब ये लेवल्स अगर आपको पता है, ओके इसने क्या किया सर, ओपन होते ही हिट किया, हाई राई करने लगा क्या, सर, हिट किया हाई राई करने, जी जब सर, हाई राइट, इसको हिट किया ये हाई राई करना पड़ेगा, मतलब अगर मान लो सेल भी जाना है तो ऐसा है ना सर, हाँ जी ऐसा है ना, जी सर, इसका मतलब क्या है, सेल है तो ये रिट्रेसमेंट लग गया, ये ऊपर जा रहा है, अभी क्या जी है सर, ऊपर जाके नीचे करना चाहिए ना, आपको दिख रहा है ये जी हाई बना दिया, जी यस सर, जी सही है ना, इसने लो तो कर दिया, लो क्या 51.5 50, इसने ऊपर जाके लो कर दिया ना, यस सर, लोग ये लो कर दिया, इसका मतलब क्या है, अभी ये कोई कारण से ये हाई टू नहीं टूटना चाहिए ना, उसके पहले ये नीचे करना चाहिए, जी सर, यस इधर एक रेजिस्टेंस बनाया क्या सर, जी ये जोन में, क्या वही लेवल से ऊपर गया, जी सर, यस अगर मान लो वो लेवल आपको पता नहीं है, ये आपका लेवल है ना सर, कल का लो है, सर, यस सर, नीचे खुला है, नीचे खुल के ऐसे करके ऐसा किया है ना, यस अभी क्या होना चाहिए सर, इसने डाउन वही टच, लेवल से टकरा के नीचे आ जाना चाहिए, अभी ये लेवल को टच करके इंडिया का नया लो बनना चाहिए, बाद में गिर जाएगा, सही है, आपको जी सर, जी क्या लगता है, ऊपर मेरा इंटरडे हाई है, चला गया, समझ रहे ब्रेक करेक्ट, यस समझ रहे हो? जी, यस ये बताओ कल क्या होगा सर मार्केट में, कल क्या होगा सर?
सर लोअर लो स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो रेजिस्टेंस, हाँ उस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलेगा तो उसका जा सकता देखो सर ये मतलब जब नीचे गिरा था ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरा था ना 94, है। यस पर ये सपोर्ट को सही है ना, ये सपोर्ट को तोड़ के ये नीचे गिरा था। अभी जी सर, क्या है ये रेजिस्टेंस ना इसके लिए, अगर मान लो इसके ऊपर खुला हाई राइ नहीं बना, हाय हाय बन गया। हाई राइ बन गया ना, हाई राइ बन गया तो एक मतलब नया मतलब ये क्या बता रहा है आपको, वीकली का डेटा आपको क्या बता रहा है, देर इज अ वॉल्यूम ब्रेकआउट ओके, इफ यू कुड सी हियर देर इज अ वॉल्यूम ब्रेकआउट ओके। देखो फर्स्ट फाइव यस फाइव डेज का जो वॉल्यूम है उसका ब्रेकआउट हो चुका है, सही है ना, जी जी यस सर, ब्रेकआउट होके इसने क्या किया है, ब्रेकआउट होके इसने अंदर क्लोज किया था क्या, आज अभी बाहर नहीं है क्या, बाहर चला गया था जी। इधर शुड टच दिस लेवल, नहीं तो ये लेवल को टच करना पड़ेगा, यस 60 सर, के ऊपर ब्रेकआउट करेगा सर ओके। देखो यस सर, ये जब गिरा था ना इसका हाई है 667, इसका अंडर राइटिंग लेवल होता है 650, हम इसको पढ़ेंगे अभी 650, इसको इधर से रिजेक्शन आ रहा है ओके, यस सर, अभी ट्रेड होगा ना सर 650 के ऊपर भयानक बाइंग आएगा। हाँ 650 प्लस 250 कितना है, 700, 900, 23,900 टारगेट है सर ओके, इसका कॉल को देखो अगर चाहिए तो, निफ्टी 23,900। हाँ अभी क्या करेंगे, व्हाट इज द रेट, जून कॉल ही ले लेंगे ओके, कितने में मिल रहे हैं सर ₹13, ओके, देख साढ़े लेंगे तेरह वैल्यू को ओके। हाँ यस सर, ये देखना था क्या बहुत ऑप्शन ट्रेड को, यस सर, अभी निफ्टी की खोल करके प्लेटफॉर्म पे ही आ जाते हैं इधर मेरे। हाँ एक बार देख लेना ओके, हाउएवर वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर वन और 2 मंथ्स। हाँ यस सर, 23,900 इज द ओके, अभी क्या करेंगे 23,650 कॉल है ना, ये 650 कॉल है सही है, 72 रुपीस में है। ओ जी 72 रुपीस में है ना, यस सर, का क्लोजिंग देखो सर किधर होगा बोल के ओके। देखो कौन सा अंडर राइटिंग लेवल है हमें ट्रेड करना है, ये अंडर राइटिंग लेवल ओके, 650 का ब्रेकआउट होना चाहिए, यस सर, ये ब्रेकआउट होगा, जब ये ब्रेकआउट होगा ना सर इसका ये जाना चाहिए 23,900 तक ओके, पॉइंट यस सर, क्लियर है, मतलब ये मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा, इफ एनीबडी नोस ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब ये वैल्यू आपको समझ ओके, एक्चुअली इसको जाना है 23,900 तक, कौन सा लेवल को ब्रेकआउट करना है 650 ओके, आपको यस सर, जी दिख रहा है 72 रुपीज में है ये 13 रुपीज में है, इसका जो क्लोजिंग है 72 प्लस 250 कितना होगा, 300 के ऊपर होगा सर, 300 के ऊपर। हाँ यस सर, अगर मैं ट्रेड करूंगा इसको, हाँ आई विल पुट अ टारगेट ऑफ 300 एंड अनलिमिटेड।